नमस्ते दरभंगा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अचानक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है SRM इंग्लिश क्लासेस, वहां विजिट करने वाले हैं। अभी हम बाहर में हैं, हमारे साथ दीपक जी हैं, और यहां देख सकते हैं ये साइकिल का कतार जो है, ये स्टूडेंट का कतार है। ये स्टूडेंट सब जो दूर दूर से बच्चे आते हैं वो साइकिल लेके अपना आते हैं, और हम चलते हैं अंदर, देखते हैं क्लास का क्या माहौल है। चलिए हम चलते हैं अंदर और क्लास में देखते हैं क्लास का क्या कैसे माहौल। श्याम जी सुन रहा है, बिल्कुल श्याम के सामने थे इसलिए हम कह रहे हैं ये जो श्याम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके चैनल स्टूडेंट जैक्सन पे। दोस्तों, SRM इंग्लिश क्लासेस पहुंच चुके हैं। हमारे साथ अभी एम कुमार सर है, जो कि आज एकदम क्लास पूरा एकदम बच्चों से भरा पड़ा है। सर, सबसे पहले स्टूडेंट जैक्सन पे स्वागत करते हैं। थैंक यू आपको। सर, कैसा लग रहा है इतने बच्चों के बीच पढ़ाने, आपको कैसा लग रहा है? ओ, ये तो हम पहले से भी इसी तरह से पढ़ाते हैं, जब आजाद चौक पर थे तो भी और यहाँ भी, और अच्छा लगता है। बच्चे इतने भीड़ में होने के बावजूद भी बिल्कुल वेल डिसिप्लिन में पढ़ते हैं और बढ़िया से पढ़ते हैं, और टेक्नोलॉजी आने के बाद तो और बेहतर हुआ है कि बच्चे और इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, रुचि के साथ एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, तो ये बहुत अच्छा लगता है। खास करके जब बच्चे बेहतर करते हैं, रिजल्ट अच्छा करते हैं, तो और ज्यादा अच्छा लगता है। सर, बात अगर रिजल्ट की कर रहे हैं तो इस बार क्या लग रहा है, कहाँ तक रिजल्ट जाएगा? एग्जैक्टली, हमारे यहाँ एक दो नहीं दर्जनों में बच्चे ऐसे होते हैं जो 96-97 उसको भी क्रॉस करते हैं। इस बार पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट नंबर में, मैंने कई बार हमारे पोस्टर कम पड़ जाते हैं, हम लोग जो रिजल्ट देते हैं, हर साल हमारा पोस्टर चेंज होता है टॉपर्स का, हर साल नए टॉपर्स लगते हैं, तो इस बार भी उम्मीद है उससे पिछले साल से ज्यादा बेहतर रिजल्ट होगा, एकदम बेस्ट होगा। ये तो सर अपना बात कर रहे हैं, लेकिन हम सर के बाद विश्वास करें कि हम चलते हैं बच्चे से और पूछते हैं बच्चे से। नाम बताओ? पिंसी सिंह। यहाँ SRM इंग्लिश क्लास में कितने दिन से पढ़ रहे हो? अब एक साल होने वाला है। कैसा लग रहा है एम कुमार सर का पढ़ाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं उस तरह से हमको, जिसे करके जैसे पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से, कि हमको अच्छे से समझ में आता है इस लैंग्वेज में। अब ये PPT के माध्यम से पढ़ाई हो रहा है, क्या खास लग रहा है अब इसमें? इसमें जिस कविता होता है ना, उसके बारे में एक लाइन का, उसका क्या, उसके बारे में क्या चीज हुआ है, उस सब के बारे में इतना हिस्ट्री से बताते हैं एक एक वर्ड तोड़ के, तो उसमें जानकारी, इस सब को हमको जानकारी मिलता है कि हाँ इसमें ये वर्ड ऐसा हम लोग के लिए अच्छा है। क्या नाम है? तुलसी झा। SRM इंग्लिश क्लास में आज पढ़ने कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा से सर एक्सप्लेन करके बताते हैं, और जैसे अभी क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे PDF द्वारा पढ़ा है, तो वहाँ हमें सामने में देखने को मिल रहा है सब कुछ, एक एक वर्ड्स को सर एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे से बताते हैं। अगर कहा जाए, अगर एम कुमार सर को 10 में से कितना रेटिंग करना था, आप कितना रेटिंग करना चाहेंगे? कैसा लग रहा है क्लास में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या खास है एम कुमार सर का? सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा से। चलिए हम इधर भी चलते हैं स्टूडेंटों के बीच और पूछते हैं, क्या नाम है? प्रियांशु कुमार। कैसा लग रहा है एम कुमार सर, कैसे पढ़ा रहे हैं? बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ के गर्व महसूस हो रहा है अंदर से कि हाँ। SRM इंग्लिश क्लासेस के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरे मतलब सीनियर पढ़ते थे ना भैया, तो वही बताए थे। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? दरभंगा शिवाजी नगर। अच्छा, और आपको आगे चल के क्या करना है? आगे चल के सर नीट निकालना है। नीट की तैयारी करना। चलिए और भी चलते हैं, पीछे चलते हैं बच्चे लोग। कैसा लग रहा है क्लास करके, SRM इंग्लिश क्लास में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या ऐसा खास लगा कि आप एम कुमार सर से इंग्लिश पढ़ने आए? मतलब बहुत चीज अच्छे से पढ़ाते हैं और उसको एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं। अब जो नए तकनीक यानी कि PPT और PDF के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या खास लगा आपको? मतलब स्टूडेंट के लिए, मतलब जो पहले दिक्कत होती थी वो थोड़ी कम होती है इस तरह से, और लिखने का भी थोड़ा समय बचता होगा। क्या करना आगे चल के? CA का तैयारी करना है। यहाँ मतलब कि साइंस कॉमर्स आर्ट तीनों सब्जेक्ट के बच्चे रहते हैं? हाँ रहते। बताओ कृष्ण कुमार, कैसा लग रहा है और कैसा पता चला कि SRM इंग्लिश क्लासेज है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए हमको अच्छा लगा, तो आए हैं एम कुमार सर के पास। एम कुमार सर के बारे में क्या खास बात लगा तुमको? बहुत जगह से हम सुने हैं नाम इसका, उसीलिए हम आए हैं पढ़ने के लिए। चल भी और भी बच्चे जिनसे हम जानते हैं। संतोष कुमार यादव। कहाँ से आते हो? दरभंगा जिला से।
दरभंगा जिला, यहाँ SRM इंग्लिश क्लासेज में क्लास करे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई खास बात बताओ एम कुमार सर का। बहुत सर का पढ़ाने का ट्रिक बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात है सर के पास रिजल्ट भी अच्छा आता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, स्पोकन भी सर जी फ्री में करवाते हैं। अच्छा सर बोलते हैं क्लास से लिख कर नहीं क्लास से सीख कर निकले, कितने लोग इस बात से सहमत है? सब सब सहमत है, सब सहमत है। अगर ऐसा आराम इंग्लिश क्लासेज में क्लास करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा क्या खास है कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं? हम यहाँ पे साफ साफ सब कुछ समझ जाते हैं, यहाँ पे काफी अच्छे सर पढ़ाते हैं, जिसके कारण मतलब हम अच्छा अच्छा अच्छे बताते हैं, जिसके कारण हम सब कुछ सही सही समझ जाते हैं। एक कहा जाते हैं एम कुमार सर के बारे में कि सर के पास ट्रिक का भंडार है, कहाँ तक सच्चाई है? जी बिल्कुल सच्चाई है, तभी तो हम यहाँ पे समझते हैं, फिर याद भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सब कुछ अच्छे पढ़ाते हैं सर जी, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। आगे चल के क्या करना है? आगे चल के अभी तो फिलहाल 12th क्लियर करने के बाद हम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आगे चल के देखेंगे। चलिए हम बैक बेंचर के पास चलते हैं क्लास करके। क्लास करके सर का बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं कि इतना रिजल्ट आता है कि विद्यार्थी लोग भरे पड़े हैं, जब उसको बेंच बैठने के लिए नहीं मिलता है तो वो खड़े होकर पढ़ लेते हैं, इतना सर अच्छा पढ़ाते हैं कि क्या बोले। चलिए हम चलते बैक बेंचर, क्योंकि कहा जाता है बैक बेंचर के बारे में, नाम बताओ। मनकुस कुमार है। तुम लोग क्लास के सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठो, क्या वजह है? बहुत मजा है सर। बहुत मजा है? यस सर। पीछे से डिजिटल बोर्ड पे क्लास करने कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आगे चल क्या करना है? आगे चल के सर मतलब IAS बनना है, मतलब IAS का तैयारी करना है। नाम बताओ। अमरजीत कुमार यादव। कैसा लग रहा है SRM इंग्लिश क्लास में क्लास कर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे चल के वो क्या बनना है? इंजीनियर की तैयारी करना। एम कुमार सर के बारे में कोई खास बात बताओ। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। चलिए हम कुछ बात फिर सर से करते हैं और फिर जानते हैं कुछ जानकारी। की तरफ सबको इतना प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और बिल्कुल बच्चे सब एकदम औसम है, बहुत बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात जो पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल इतने बच्चे होने के बावजूद भी बिल्कुल डिसिप्लिन में जो रहते हैं ये बहुत बड़ा है, और ये बच्चों का प्यार है जो भर भर दिन क्लास ले पाता हूँ। यदि बच्चे का प्यार नहीं मिलता तो सारा दिन क्लास नहीं ले पाता। आपके हर एक बैनर और पोस्टर पे एक बात लिखा रहता है, इंग्लिश को क्लास से लिख करने क्लास से सीख करने के लिए, इसके पीछे का सच्चाई क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत देखिए कई बार क्या होता है कि पढ़ते तो सब जगह बच्चे हैं, कई बार बच्चे क्लास में लिख करके निकल जाते हैं, पर मेरा मानना है कि लिखने के लिए तो बहुत सारे किताब पढ़े वहां से लिख सकते हैं आप, पर सीखना है तो बेहतरीन ढंग से सीखिए, ऐसे सीखिए बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए, आपको कहीं दोबारा फिर से किताब अलग से उलटाने की जरूरत ना पड़े, क्लास में ही पूरी तरह समझा दिया जाता है चीजों को। इसलिए मैं लिखता हूं कि अंग्रेजी क्लास से सिर्फ लिख करके नहीं सीख करके निकले। सर अगर मैं कहूं कि कोई बच्चे अगर पैसे देने के लायक नहीं है तो उस बच्चे के लिए SRM इंग्लिश क्लासेस में क्या व्यवस्था किया गया है? एग्जैक्टली ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली रूप से बहुत ज्यादा वीक हैं, उसके लिए हमारे यहाँ है व्यवस्था। बच्चों को ऐसे में भी कई सारे बच्चे बैठे होंगे इसमें जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड बना होगा, इवन मैं उस बच्चों को खुद से हेल्प भी करता हूँ, चाहे बुक्स की से हो या फिर और किसी भी तरह की मदद हो, उसका फी माफ रहता है। जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन जिसका बहुत खराब है उसको मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। इस मैच में भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने वैसे ही कार्ड बनाया है और उसको किताब भी अपने तरफ से असाइनमेंट जो भी संभव हो मैं उसे देता हूँ। इस प्यार के लिए एम कुमार सर के लिए एक बार जोरदार ताली आप सभी की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आप SRM इंग्लिश क्लासेज में आगे क्लास करना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, आपके स्क्रीन पे मोबाइल नंबर और लोकेशन दिया गया होगा। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।